हाय फ्रेंड्स, आई एम अजीत। इन टुडेज़ वीडियो वी विल लर्न एब्सेप्ट ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा के जो पहलू हैं, जो बेस हैं, वो कैसे बने, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और ड्रामेटिक टेक्सचर को इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो ड्रामा है ना, जो ओरिजिन और ग्रोथ जो हुआ था, जिस तरीके से जो ड्रामा आया था ग्रीक से उठकर जो 20th सेंचुरी तक पहुँचा, उसको मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। वो जाकर जरूर देखें, प्ले लिस्ट पे है, और उसी के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एब्सेप्ट ऑफ ड्रामा। एब्सेप्ट ऑफ ड्रामा क्या है, यानी ड्रामा के पहलू, यानी बेस, जिसके अंदर हम देखेंगे ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और ड्रामेटिक टेक्सचर को देखेंगे। मतलब ड्रामा को कैसे बताते हैं और कैसे इसके बेसिक फॉर्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसी चीज़ को देखेंगे कि ड्रामा के बेस क्या है, बेसिक फॉर्म क्या है। एब्सेप्ट ऑफ ड्रामा का जो बेसिक फॉर्म जो है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है, डायरेक्टर आते हैं, एक्टर आते हैं, डायलॉग होता है, स्टोरी है, सेटिंग होता है, एक्शन सेटिंग होता है, और साथ ही साथ प्रोप्स मिलते हैं जिसके अंदर रंगमंच की सामग्री और कॉस्ट्यूम होते हैं, स्टेज होता है, स्पेक्टेटर होते हैं, यानी ऑडियंस। बिना ऑडियंस के तो ड्रामा चमकेगी नहीं, ठीक है। तो इन्हीं सब की ज़रूरत से एक प्ले और ड्रामा तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ ड्रामा और प्ले में कुछ इन्वॉल्व्स किए जाते हैं। क्या इन्वॉल्व किए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन, क्राइसिस और एटमोस्फियर को ऐड किया जाता है, जिससे क्या बनता है, एक ड्रामा तैयार होता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलते हैं फिल्म्स में, टीवी सीरियल में, और साथ ही साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम इस एब्सेप्ट्स ऑफ ड्रामा के वजह से ड्रामा और प्ले को देख पाते हैं और अच्छी तरीके से कंसीडर कर पाते हैं। इस एब्सेप्ट्स ऑफ ड्रामा का जो पहला जो है ना, वो क्या है, वो है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे, प्लॉट को देखते हैं। प्लॉट के बिना कोई सी भी जो ड्रामा है और प्ले है, वो बनाई नहीं जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती, ठीक है। क्योंकि प्लॉट क्या है, प्लॉट एक स्टोरी है, एक जड़ है। यह एक ऐसा टर्म ऑफ आर्ट है जो ड्रामा को पूरी तरीके से क्या करता है, जो ड्रामा जो होती है ना, वो पूरी इसी पर ही बेस्ड होती है और इसी पर ही क्या होती है, निर्भर होती है। किसके ऊपर, प्लॉट के ऊपर, स्टोरी के ऊपर। बिना प्लॉट के ड्रामा जो है वो कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो, जो प्लॉट जो है ना, वो रेडी हो गया। अब इसी प्लॉट में, स्टोरी में, हम एक्ट करते हुए कुछ करेक्टर्स को देखते हैं। यानी अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे, करेक्टर्स, जो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोगों को लिया जाता है, गिने चुने जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्लॉट और स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं, तो उसे ही हम करेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है ऑथर मिलर की ऑल माई सन्स। सभी को पता है ये जो स्टोरी है, इसमें जो प्लॉट है वो क्या है, जो जो किलर होता है मेन करेक्टर होता है, ठीक है। इस स्टोरी में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जो अपने आप को डिफेंड करता है, रिच पर्सन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, ट्रेजिक मोमेंट आता है, वो अपने आप को गोली मार लेता है। इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इसमें जो करेक्टर होते हैं, पहला होता है जो किलर, उसकी वाइफ होती है केट किलर, और साथ ही साथ उसके दो बच्चे होते हैं, क्रिस और लैरी। लैरी जो होता है वो बड़ा बेटा होता है, मर जाता है, ठीक है, उस फॉल्टी प्लेन के चक्कर में उसने अपने आप को सुसाइड कर लेता है। 21 जवान जो होते हैं उसमें शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन था, ये जो किलर की वजह से होता है ये सब। तो इसमें कितने करेक्टर थे, तो इसमें 7-8 करेक्टर हैं, ठीक है। तो इन्हीं के वजह से क्या बनता है, एक प्लॉट जो होता है ना, उसमें जो स्टोरी होती है उसको दर्शाई जाती है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था ऑथर मिलर के ऑल माई सन्स। तो अब इसी तरह हमने क्या देखा कि जो करेक्टर होता है ना, उनके द्वारा क्या होता है, एक्ट किया जाता है। अब कौन सा एक्ट किया जाता है, उसमें भाव क्या क्या होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इमोशन होते हैं, इंटेंशन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, और ये सब डायलॉग के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं ऑडियंस के सामने, ठीक है। अगला है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में जो लास्ट है वो 3 यूनिट्स होते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ड्रामा जो है ना, उसमें अब क्या क्या होने वाला है, जैसे एक्शन, प्लेस और टाइम। इन्हीं की वजह से क्या हमें पता चलता है कि कब कब क्या होगा और कब कब क्या हुआ है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, 3 यूनिट्स कहते हैं, एक्शन, प्लेस और टाइम। और इसी पर जो पूरा जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है ना, वो निर्भर होता है। अगला है ड्रामेटिक टेक्सचर। ड्रामेटिक टेक्सचर जो होता है ना, वो क्या होता है, ड्रामा की जो बनावट है ना, वो किस तरह से होती है, ठीक है। ड्रामेटिक टेक्सचर जो क्या करता है, इंटेंस करता है, इमोशनल क्वालिटी को प्रेजेंट करता है इन अ वर्क ऑफ आर्ट और परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं, भाव को देखते हैं, यानी इमोशन जो होता है ना, किस तरीके से उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंशन, डायलॉग्स के द्वारा ये सब प्रस्तुत किया जाता है, उन्हीं सबको इसमें ड्रामेटिक टेक्सचर में देखते हैं, ठीक है। और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर में क्या देखा, उसमें हमने बेस देखा, ठीक है, कि किस तरीके का बेस था, और इसमें हम देखेंगे इमोशन, कि किस तरीके का इमोशन है जिसके साथ ड्रामा को प्रेजेंट किया जाता है। ड्रामेटिक टेक्सचर,
यानी ड्रामा का जो बनावट है ना वो किस तरीके से होता है। ड्रामेटिक टेक्सचर जो क्या करता है, इंटेंस और इमोशनल क्वालिटी को प्रेजेंट करता है और साथ ही साथ इन अ वर्क ऑफ आर्ट और परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, किस तरीके से एक्ट और सीन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक्ट को क्या कहते हैं, एक्ट एक ऐसा पार्ट ऑफ प्ले होता है जिसमें क्या करते हैं हम एक्शन को देखते हैं, क्लाइमैक्स को देखते हैं और साथ ही साथ हमें रिसोल्यूशन जो है ना वो देखने को मिलता है। और इसी तरह जो सीन जो होता है वो क्या करता है, जो एक्ट के क्या होते हैं स्मॉलर पोर्शन जो होते हैं ना उसको डिवाइड जब करते हैं तो उसी तरीके से हम उसे जब क्या कहते हैं, उसे सीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एक्ट जो होता है वो कई जगह हम कर सकते हैं, पर सीन क्या होता है ना, जो सीन है वो एक ही जगह पर होता है, मतलब वन प्लेस एट वन टाइम पर होता है। जैसे सीन जो है ना वो हमें ड्रामा में कुछ अलग तरीके से देखने को मिलता है, यानी लगातार देखने को मिलता है, कंटिन्यू देखने को मिलता है। जैसे एक्शन चलता है और कोई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, कोई भी वहाँ पर ब्रेक नहीं लेता है। ठीक है, टाइम में और जगह में, प्लेस में, यानी एक ही जगह पर एक्ट करना होता है, उसे हम सीन कहते हैं। और इसी तरह जो सीन जब हो जाता है, ठीक है, एक्ट जो हो जाता है, तो क्या करते हैं स्टेज पर पर्दा गिरा देते हैं, फिर स्टेज को एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कालिदास के प्लेज हैं, ठीक है, और उसके बाद शेक्सपियर के कुछ टेम्पेस्ट हैं, द टेम्पेस्ट, उसमें कुछ यूजेस किए गए थे उसको सीन और एक्ट के द्वारा, सीन के द्वारा, जैसे सिमलीज और मेटाफर्स और पोइट्री को जोड़ा गया है, तो उसी चीज़ को हम सीन कहते हैं। अगला है एटमोस्फेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटमोस्फेयर भी किसमें हम देखने को मिलता है, ड्रामेटिक टेक्सचर में इसको देखते हैं। एटमोस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, ठीक है, वातावरण कैसा होता है ड्रामा का और टोन कैसा होता है। ठीक है, रोमांटिक टोन होता है, हैप्पीनेस होता है, सैड होता है, सस्पेंसफुल होता है, फियरफुल होता है और साथ ही साथ हमें रिलीजियस एटमोस्फेयर देखने को मिलता है और इसी तरह हम इसे एटमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अगला है असाइड। असाइड किसे कहते हैं, विस्परिट करना, ठीक है, फुसफुसाना करेक्टर के द्वारा, कहाँ पर, स्टेज पर, लेकिन जो साथी जो करेक्टर होता है ना उसे ना पता चलने देना, उसे हम असाइड कहते हैं। सिर्फ जो विस्परिट हुआ है ना वो किसको सुनाई दे, वो जो ड्रामा में विस्परिट जो देखने को मिला है वो सिर्फ किसको देखने को मिले, ड्रामा देख रहे ऑडियंस को देखने को मिले। ठीक है, जो ड्रामा जो देख रहे होते हैं ना ऑडियंस, उन्हीं को सिर्फ वो जो विस्परिट है वो सुनाई दे, ना कि स्टेज में हो रहे करेक्टर को सुनाई दे। ठीक है, आपस में ना सुने, स्टेज में जो करेक्टर्स रहते हैं उसी चीज़ को हम असाइड कहते हैं, मन की आवाज़ हम कह सकते हैं। अगला है कॉमिक रिलीफ। ये एक ऐसा सीरियस प्ले होता है, इसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है बाइट ऑफ ह्यूमर को, ठीक है, जिसमें हैवी टेंशन ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स को दिखाया जाता है और इसमें जो कॉमिक कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो स्पीच और कुछ सेंस होते हैं उसे सीरियस वर्क के साथ प्ले करते हैं, आर्ट करते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, एक टेंशन पैदा करने वाले को हम कॉमिक रिलीफ कहते हैं। ठीक है, सस्पेंस क्रिएट करता है, ठीक है, सीरियस सस्पेंसफुल टाइप का, उसे हम कॉमिक रिलीफ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एलिजाबेथन ट्रेजेडी में द हॉर्स कोर्स सेंस देखने को मिलता है, इन मार्लव्स डॉक्टर फॉस्टर्स और द ग्रेव डिक्कर इन शेक्सपियर में हमें देखने को मिलता है कॉमिक रिलीफ जो है। अगला है डिकर्स एक्स मकीना। ये एक ऐसा लैटिन भाषा है जिसको हम कहते हैं अ गॉड फॉर्म ऑफ मशीन। यह एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है जिसे ग्रीक प्ले राइट्स जो है ना उनके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था फॉर अ प्रैक्टिस के लिए। स्पेशली हम इसे यूरिपीडियस कहते हैं। ठीक है, टू एंड अ ड्रामा विथ अ गॉड लवर टू द स्टेज, मतलब एक मैकेनिकल एपार्टस बंदा नाम का एक होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जजमेंट और कमांड्स और डेलेमास जो होते हैं ना किसके, ह्यूमन कैरेक्टर्स के, उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है, तो उसी चीज को हम कहते हैं डिकस एक्स मकीना। और इसी तरह अगला है फोरशैडो। ये क्या करता है, ये कुछ इंडिकेट्स लाइंस को देता है, हिंट्स और क्लू देता है, कहाँ पर, फ्यूचर इवेंट्स के, यानी फ्यूचर इवेंट्स के जो हिंट और क्लू हमें जो देखने को मिलते हैं उसे हम फोर्स शैडो कहते हैं। अगला है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है कि प्लेराइट के द्वारा प्रेजेंट और क्या किया जाता है, नरेट जो करते हैं ना, दिखाने की कोशिश जब करते हैं, ठीक है, किसी स्टोरी को, तो पहले पास्ट में हुए जो घटना होते हैं ना, जो इंसिडेंट होते हैं कुछ, उसको दिखाया जाता है और फिर उसके बाद उसे प्रेजेंट में लाया जाता है, यानी पास्ट के कुछ चीज़ों को दिखाकर फिर प्रेजेंट में जब लाते हैं तो उसे हम फ्लैशबैक कहते हैं। नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी को अगर हम सिंपल वर्ड में क्या करें, डिस्क्राइब करें, तो इसका मतलब होता है कहना कुछ और करना कुछ, कहा कुछ गया है स्टोरी में और जबकि मतलब और जो मीनिंग है ना वो कुछ और निकल कर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और साथ ही साथ लू भरा वाला दिन था, यानी गर्मी वाला दिन था, और यहाँ पर अगर स्पीकर कहे कि ये कितना सुंदर दिन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपोजिट थॉट्स क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहा है स्पीकर द्वारा,
यानी जो इवेंट्स वो देख रहा है नेचुरली, वो एक्सपेक्टेड कर रहा है कि उसका उल्टा कहना और होना हो रहा है, ठीक है? तो यानी किसी चीज़ को देखकर उल्टा कहना, उसी चीज़ को हम आयरनी कहते हैं, ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड में। और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? कॉमेडी के लिए यूज़ किया जाता है, हंटर हिमसेल्फ, और साथ ही साथ प्रैंक के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अगला है मॉस्क्यू, मास्क जिसे हम कहते हैं। ये जो फ्लोरिस्ट हुआ था ना, ये कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था, और साथ ही साथ ये रेनिशा इटली के समय पर आया था, और कॉलिन एज के स्टार्टिंग में इसको देखा गया था बहुत ही ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है? ये एक एलोब्रेट फॉर्म होता है जो इंटरटेनमेंट का एक जरिया होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, कंबाइन किया जाता है क्या क्या, पोएटिक ड्रामा को, म्यूजिक को, सॉन्ग को, डांस को, कॉस्ट्यूम एंड स्टेज को, और साथ ही साथ स्टेज स्पेक्टिकल को देखा जाता है। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है मंच तमाशा, ठीक है, स्टेज स्पेक्टिकल्स को देखा गया था, मंच तमाशा को इसमें देखा जाता है। जो कौन करता है? करेक्टर्स करते हैं, ठीक है, करेक्टर्स के द्वारा इसको दर्शाया जाता है फॉर इंटरटेनमेंट। मोटिफ, अगला है मोटिफ। मोटिफ क्या होता है? ये एक रिपीटेड क्या होता है, एक पैटर्न होता है जो एक इमेज, साउंड, वर्ड और साथ ही साथ सिंबल को बार बार अगेन एंड अगेन दिखाया जाता है पर्टिकुलर स्टोरी में, तो उसी चीज को हम मोटिफ कहते हैं। अगला है पेंटोमाइन। पेंटोमाइन का मतलब होता है मूका अभिनय, यानी डम शो, ठीक है, यानी गूंगापन। इसमें क्या होता है, बिना आवाज़ के जो ड्रामा और प्ले होते हैं ना, उसको दर्शाए जाते हैं विथ यूजिंग ओनली पोस्चर, गेस्चर, बॉडीली मूवमेंट और फेसियल जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, उसके साथ क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और साथ ही साथ इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है चार्लिन चैपलिन की मूवीज़ जो है, उसको आपने देखा होगा, पूरा पेंटोमाइन शो होता है, डम्प शो होता है, और बहुत ही आसानी से हमें समझ में आता है, क्योंकि पोस्चर और गेस्चर जो चार्लिन चैपलिन के होते हैं ना, वो बहुत ईजी तरीके से वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम पेंटोमाइन कहते हैं, गूंगापन, बे आवाज़ और डम्प शो। अगला है पोइटिक जस्टिक। पोइटिक जस्टिक, ये जो वर्ड है ना, ये पोइटिक जस्टिस, ये शब्द आया था थॉमस राइमर के द्वारा, ठीक है, ये कॉन्क्रीट किया गया था उन्हीं के द्वारा, गढ़ा गया था, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये पोइटिक जस्टिस जो है। इसका मतलब होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट देना इन अ प्रपोर्शन टू वर्च्यू और वाइस तरीके से, मतलब गुण या दोष को देखकर एट द एंड ऑफ द लिटरी वर्क में गुण को यानी वर्च्यू को रिवॉर्ड दिया जाता है और वाइस यानी दोष को पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। यह एक तरफ से प्रिंसिपल होता है मॉरेलिटी का। नेक्स्ट है सेटिंग। यह एक ऐसा टाइम और प्लेस होता है जहाँ पर स्टोरी को सुनाई जाती है, ठीक है, उसे हम सेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सॉलिलुक्वी। सॉलिलुक्वी जो वर्ड है ना, इसे ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है टू अ मोनोलॉग, मोनोलॉग में किया जाता है, ठीक है, जो डिलीवर करता है जब कोई करेक्टर क्या हो, अलोन हो, ठीक है, अकेला हो। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं जहाँ पर हम बहुत सारे करेक्टर को देखते हैं जो कहते हैं आई एम अलोन, ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, सॉलिलुक्वी कहते हैं। तो ये था हमारा एब्सेप्ट्स ऑफ ड्रामा। अब देखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा को देखेंगे, जिसके अंदर ट्रेजेडी आती है, कॉमेडी आती है और ट्रेजिक कॉमेडी आती है, और इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।